अशरफी कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज हम फिर से लेके आए एसएससी जीडी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्लास दोस्तों, जिसमें हम बात करने वाले हैं तमाम भर्ती परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण करंट अफेयर को लेकर दोस्तों, जिसमें एसएससी सीजीएल या अन्यथा ये जो सीटीए और आरएस आईएस जितने भी एग्ज़ाम्स हैं दोस्तों, इनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट ये करंट अफेयर की क्लास रहने वाली है। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है यूक्रेन राहत पुनर्प्राप्ति पुनर्निर्माण और सुधार ट्रस्ट फंड किस संस्था से संबंधित है? तो एशियाई बैंक, एशिया विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व आर्थिक मंच और विश्व बैंक। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो कौन सा है? विश्व बैंक। अब अगर विश्व बैंक की बात करें दोस्तों, तो विश्व बैंक ने एक परियोजना के लिए अनुदान वित्त पोषण में 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर की घोषणा की, जो यूक्रेन ने ऊर्जा बुनियादी ढांचे की मरम्मत करेगी। उसे यूक्रेन राहत पुनर्प्राप्ति पुनर्निर्माण और सुधार ट्रस्ट फंड में के माध्यम से वित्त पोषित किया जाएगा। यह एक ऐसा मंच है जो विश्व बैंक को युद्ध के दौरान यूक्रेन सरकार के संचालन और राहत का समर्थन करने की अनुमति देता है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो हैन सियांग, हैन हवे हवाशोंग 18 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल किस देश ने विकसित की है दोस्तों? तो यूएसए, उत्तरी कोरिया या फिर यूक्रेन या रूस। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? तो उत्तरी कोरिया है दोस्तों। कौन सा है? उत्तरी कोरिया। अगर उत्तरी कोरिया की अगर बात करें दोस्तों, तो हवाशोंग 18 आईसीबीएम उत्तरी कोरिया द्वारा विकसित एक ठोस ईंधन अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। उच्च जोर वाले ठोस ईंधन इंजन स्टेज जेटिसनिंग तकनीक और विभिन्न कार्यात्मक निर्णय प्रणालियों के प्रदर्शन की पुष्टि करने के लिए हाल ही में इसका परीक्षण किया गया है दोस्तों, किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो किस देश ने पाकिस्तान को 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता की पुष्टि की है दोस्तों? तो रूस, चीन, यूएसए या यूएई। तो यूएई ने की है दोस्तों। किसने किया? यूएई ने। अगर यूएई की बात करें दोस्तों, तो संयुक्त अरब इमारात ने पाकिस्तान को 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता की पुष्टि की है। इसकी घोषणा पाकिस्तान के वित्त मंत्री ने की। पाकिस्तान के एक बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा है क्योंकि इसे वाशिंगटन स्थित अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से 1.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की फंडिंग का इंतजार है, जो 2019 में आईएमएफ द्वारा स्वीकृत 6.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बेल आउट पैकेज का हिस्सा है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो रैपिड सपोर्ट फोर्सेस को जो खबरों में देखी गई, किस देश का अर्ध सैनिक समूह है दोस्तों? सूडान, इजराइल, संयुक्त अरब इमारात या ईरान। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों कौन सा है? तो सूडान है दोस्तों। सूडान की अगर बात करें तो सूडान की सेना और रैपिड स्पोर्ट्स फोर्सेस अर्ध सैनिक समूह राजधानी खार्तुम और अन्य स्थानों पर सशस्त्र संघर्ष में लगे हुए हैं, जिसमें गृह युद्ध की आशंका बढ़ गई है दोस्तों। आरएसएफ की कमान जनरल मोहम्मद हमदान डगालो के हाथ में है, जिन्हें आमतौर पर हेमेदती या लिटिल मोहम्मद के नाम से भी जाना जाता है। यह वर्तमान में सूडान के सत्तारूढ़ संप्रभु परिषद के मुख्य उप प्रमुख के पद पर स्थित है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क किस संस्था से संबंधित है? तो विश्व बैंक, आईएमएफ, डब्ल्यूआईएफ या फिर एडीबी। तो इसका जो सही आंसर कौन सा है दोस्तों? विश्व बैंक। विश्व बैंक की अगर बात करें दोस्तों, तो विश्व बैंक समूह का कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क अत्यधिक गरीबी को समाप्त करने और स्थिरता को ध्यान में रखते हुए समृद्धि को बढ़ावा का प्रयास करता है। हाल ही में विश्व बैंक ने देश
को लचीला, समावेशी और सतत विकास हासिल करने में मदद करने के लिए बांग्लादेश में 3 परियोजनाएं शुरू करने के लिए 1.25 मिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दे दी है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो MiG-21 जेट किस देश द्वारा डिजाइन किया गया था? भारत, रूस, फ्रांस या फिर यूएसए? तो इसका जो सही आंसर कौन सा दोस्तों, रूस के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? रूस के द्वारा। रूस की अगर बात करें तो मिकोयान गुरेविच MiG-21 एक सुपर सैनिक जेट लड़ाकू और इंटरसेप्टर विमान है जिसे सोवियत संघ में मिकोयान या गुरेविच डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन किया गया। यह विमान जिसे 1960 के दशक की शुरुआत में भारत में शामिल किया गया था और भारतीय वायुसेना वर्तमान में कई दुर्घटनाओं के बाद इन लड़ाकू विमान के शेष 3 स्क्वाड्रन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की योजना बना रही है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो किस अंतरराष्ट्रीय एजेंसी ने AOLS सैटेलाइट विकसित किया है? जैक्सा, इसरो, नासा या ESA? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ESA। ES की बात करें दोस्तों तो AOLS सैटेलाइट ESA द्वारा विकसित सबसे प्रभावी मौसम उपग्रह में एक से एक है। यह वर्तमान में पृथ्वी के वायुमंडलीय में लौटने पर पथ पर है। AOLS एक अर्थ एक्सप्लोरर अनुसंधान मिशन नई अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन करने के लिए डिजाइन किया गया था और 1360 किलोग्राम का उपग्रह है। यह एक दुर्घटनाग्रस्त होने की राह पर है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नई रिपोर्ट के अनुसार पिछले 2 दशकों में किस देश के प्रति व्यक्ति ई कचरा उत्पादन 3 गुना हो गया है? यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी? तो इसका जो सही आंसर है कौन सा दोस्तों, कनाडा। कौन सा है? कनाडा है दोस्तों। अब कनाडा की अगर बात करें दोस्तों, कनाडा की बात करें तो एक नए अध्ययन से पता चला कि कनाडा का ई कचरा पिछले 2 दशकों में 3 गुना हो गया है। प्रति व्यक्ति कचरा उत्पादन 2000 में 8.3 किलोग्राम से बढ़कर 2020 में 25.3 किलोग्राम हो गया है। कनाडाई लोगों ने 2020 में लगभग 10 टन ई कचरा पैदा किया है और इसके बाद 2030 में 1.2 मिलियन टन सालाना तक पहुंचने की उम्मीद है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात करें तो किस देश ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राजकीय यात्रा पर आमंत्रित किया? यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, यूक्रेन, चीन? तो इसका जो सही आंसर है कौन सा है दोस्तों, तो यूएसए। कौन सा है दोस्तों? यूएसए। तो यूएसए की बात करें दोस्तों तो राजकीय यात्रा राज्य या सरकार के प्रमुख के नेतृत्व में इनकी संप्रभु क्षमता में कार्य करते हुए विदेशी देशों की यात्रा की है। राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रथम महिला जिल विडेन के निमंत्रण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जून को राजकीय यात्रा पर अमेरिकी जाने के लिए क्या है दोस्तों, तैयार हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, स्को ने डिजाइन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए किस देश से प्रस्ताव को अपनाया? संयुक्त अरब इमीरात, भारत, चीन, भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश? तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों, बांग्लादेश है। सॉरी, कौन सा है दोस्तों, भारत है। तो अगर भारत की बात करें तो संघाई सहयोग संगठन के सदस्य ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए भारत के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से अपनाया है। भारत के पास सरकारी सेवाओं को आसान बनाने के लिए UPI और आधार जैसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने का रिकॉर्ड है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें दोस्तों। तो धन्यवाद।